बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मैं हूं मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल और हमारा फेसबुक का पेज मुफ्ती बिलाल अहमद कादरी। अगर 50 लाख का भी कर्ज हो, 7 दिन में इंशाल्लाह उतर जाएगा। ये रिज़्क की तस्बीह नहीं, दौलत का तूफ़ान है। 5 मिनट का अमल है, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपके रिज़्क रोज़ी में बरकत देगा और ख़जाना गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि इंशाल्लाह सारे का सारा कर्ज भी उतर जाएगा और आप करोड़पति भी हो जाएंगे। आपके सामने रोज़ाना वीडियोस शेयर की जाती हैं और मुख्तलिफ टॉपिक के ऊपर, मोहब्बत का टॉपिक भी होता है, रिस्क का टॉपिक भी होता है, घर के वाले से भी होता है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों से कर्ज़ के वाले से बहुत ज़्यादा मैसेज और कॉल आ रही थी। और जैसे आपको मालूम है कि गुज़िश्ता कुछ दिनों से तबीयत भी ख़राब थी और मैंने उसकी वीडियो भी बनाई और आपके सामने शेयर भी किया था। और उसकी एक वजह यह भी थी कि एक एक्सीडेंट हुआ मेरा इन दिनों के अंदर, और अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने बहुत हिफाजत फरमाई। थोड़ी बहुत चोटें और चीज़ें आई हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह भी काफ़ी संभल चुका हूँ मैं। और ये जो वीडियो है, ये मैं अपने उस एक्सीडेंट के बाद बना रहा हूँ, और मे भी आपके वो जोश और वो फरोश कम ज़रा नज़र आएगा, क्योंकि अभी इतनी तबीयत ठीक नहीं है कि प्रॉपर उसको बनाया जा सके। लेकिन फिर भी आपके सामने आना और आपसे बात करना भी ज़रूरी है, और जब तक आपसे बात ना की जाए तो एक दिल को चैन सुकून भी नहीं आता। और यही मेरा एक ज़रिया होता है आप लोगों तक पहुंचने में। और इन दिनों में फिर मुलाकातें भी कम हो रही थी और कॉल्स वगैरह तो मैं बिल्कुल नहीं ले पा रहा था, क्योंकि कम अज़ कम 2 घंटे तो मेरा मुकम्मल बेड रेस्ट था, क्योंकि समझे कि जिस्म का एक एक पार्ट्स अपनी जगह से तकरीबन हिल चुका था। और हुआ बहुत सख्त था, लेकिन बस आप लोगों की दुआओं की वजह से अल्लाह ताला ने बचाया। और वो जो कुरान पाक की आयत है, जब ये मामलात होते हैं ना, तो उससे वो चीज़ें मज़ीद पुख्ता हो जाती हैं कि इन अंसुरकुमुल्लाहु फला गालिब लकुम, जब तक अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी तुम पर कोई गालब नहीं आ सकता, तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता, तुम पर कोई ज़ोर आजमाई नहीं कर सकता। तो वो एक चीज़ आयत बार बार मेरे जहन उस टाइम भी आ रही थी। और मामलात हैं कुछ, बहुत सारे हैं चीज़ें, लेकिन वो सारे मामलात अल्लाह ताला के सपोर्ट हैं। और ये जो आपका एक सिलसिला है, इंशाल्लाह मैंने कहा था जब तक सांस रहेगी ये सिलसिला चलता रहेगा, और ख़ास कर दुआ का सिलसिला वो तो हमेशा आपके साथ है। और अभी भी जैसे ही बेहतर होता जा रहा हूँ, कोशिश यही है कि आप लोगों के साथ हूँ। और वैसे भी एक आता है कि बीमार शख्स की दुआ वैसे भी कबूल होती है, तो तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन मैंने कहा चले इस हालत के अंदर अगर हम वजीफा बताएंगे, दुआ करेंगे, अल्लाह ताला वो कबूल भी फरमाएगा। और ये जो बार बार मसाइल होते हैं फिर अल्लाह ताला बचा लेते हैं, मैं शायद नहीं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये अल्लाह ताला आप ही के लोगों की वजह से मुझे फिर नई ज़िंदगी दे देता है कि ताकि मैं आप लोगों के लिए हाथ उठा के दुआएँ करता रहूँ। और आज के दिन फिर मैं इस चीज़ पर पुख्ता हो गया, और तकलीफ़ आई, परेशानी आई, लेकिन आज फिर मैं आप को गवाह बना के अल्लाह ताला से वादा फिर कर रहा हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी आप लोगों के लिए वक्फ है। हालांकि अभी मैं एक गुजर रहा हूँ इस चीज़ से, लेकिन फिर भी मैं ये बात कह रहा हूँ। और इंशाल्लाह इस एक्सीडेंट के बाद मेरा ईमान और यकीन मज़ीद उस पे पुख्ता हो चुका है कि कुछ भी हो जाए, जब तक बचाने वाली ज़ात आपके साथ है, दुनिया की कोई ताकत आपको नुकसान नहीं पहुँचा सकती है। वक्ती तौर के ऊपर मुश्किल आ सकती है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि छोटी जो नुकसान होता है अल्लाह ताला किसी बड़े नुकसान से बचा सकते हैं। उसका एक वाक्य छोटा सा मैं आपको सुनाता जाऊँ। एक किसी गांव के अंदर एक चौधरी था, यानी जो गांव का बड़ा था, उसका एक इकलौता बेटा था और वो भी मर गया किसी वजह से। तो उस गांव के जो मौलवी साहब थे, वो जब भी कहीं जाते उनकी एक आदत थी, वो ये कहते थे बस अल्लाह ताला की मर्ज़ी है और इसमें आपके लिए बेहतर होगा। वो चौधरी की उस पर चले गए ताज़ियत के लिए उसके बेटे की, और वहाँ पर बैठे हुए उन्होंने कहा कि चौधरी साहब अल्लाह ताला की मर्ज़ी है। उन्होंने कहा बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरी जो बात उन्होंने की, जो उनकी आदत थी, कि इसमें आपके लिए बेहतरी होगी। अब जैसी अब एक चीज़ है कि इंसान देखे मेरा इकलौता बेटा है जो मुझे मेरा वारिस बन सकता है, मेरे बुढ़ापे का सहारा बन सकता है, तो वो चौधरी का एकदम नागवारी उस पर हुई, लेकिन कुछ कहा नहीं। बाद में गुस्सा चढ़ा और कहा कि मौलवी साहब की देखी उसकी मत, एक ही मेरा बेटा था जो मेरा वारस भी था, इसको इतनी खुशी हुई है, कहता है इसमें मेरे लिए बेहतरी होगी, मेरी कुल कायनात ही तकरीबन ख़त्म हो गई है, तो मेरे लिए इसमें क्या बेहतरी है, इसको मैं अब छोड़ूंगा नहीं। अगले दिन फजर का टाइम था और जो मौलवी साहब थे वो घर से निकले हैं नमाज पढ़ाने के लिए,
तो घर की जो चौकाट थी, चौकाट पर एक कील लगी हुई थी। अब वो रोजाना गुजरते हैं उधर से, कुछ भी नहीं होता, लेकिन उस दिन निकले हैं तो वो कील एकदम इधर पेवस्त होगी लग गई। अब यहाँ से खून निकलने लग पड़ा, वजू भी किया हुआ था उन्होंने, नमाज का टाइम था। तो फौरन वापस आके तो घर वाली ने कहा क्या हुआ, कहा इस तरह का नमाज का। उसने कहा अल्लाह ताला की इसमें कोई बेहतरी होगी, कोई और पढ़ा देगा, अब तो मेरे साथ ये हो चुका है। दिन चढ़ा, दिन चढ़ने के बाद पता चला जी मौलवी साहब ने आज फजर की नमाज़ नहीं पढ़ाई। चौधरी साहब ने बुलवा लिया, हाँ जी आपने फजर की नमाज़ क्यों नहीं पढ़ाई। और बाद में उकदा ये खुला कि चौधरी साहब ने बंदे भेजे हुए थे कि जब सुबह नमाज पढ़ाने के लिए घर से निकलेगा इसको कत्ल कर देना। तो उस मौली ने कहा कि चौधरी साहब इसमें अल्लाह ताला की मेरे लिए कोई बेहतरी होगी जो ये काम हो गया। तो तब उसको बात समझ के आ गई कि हर एक काम के अंदर अल्लाह ताला की बेहतरी होती है। तो मैं भी मेरा जो हुआ, खुदा ना खासा मैं कहीं जा रहा था तो वहाँ आगे जाके कोई मेरे लिए कोई बड़ा मसला बन जाता, तो ये छोटी सी एक बात से तकलीफ़ आती है जिससे इंसान बड़ी तकलीफ़ों से मुसीबतों से बच जाता है। और इंशाल्लाह आप लोगों की दुआएं रहती हैं। और मैंने अपनी एक जगह मैंने एक पोस्ट देखी, 1000 से ऊपर लोगों ने उसके ऊपर दुआ के लिए कमेंट्स किए हुए थे और मेरे लिए खसूसी दुआ की थी तो मैं क्यों ना ठीक होता। और वो उसको देख के मैं जल्दी ठीक हो गया और जल्दी आ गया। मैंने कहा नहीं, अब दोबारा ये सिलसिला वहीं से इसको कंटिन्यू करना है। और अल्लाह ताला से एक दुआ भी मांगती हूँ, अल्लाह मुझे इतनी कम अज़ कम मोहलत दें कि जिन लोगों का मेरे ऊपर यकीन है, अतमाद है, वो कभी उसको ठेस ना पहुँचे, या जिनके मैं काम करूँ कम अज़ कम उनके काम पूरा होने तक मेरे पास इतनी मोहलत हो कि मैं उनके काम पूरे करके जाऊँ ताकि कल को मुझे अच्छे अल्फाजों से वो याद रख सके। तो बात लंबी हो जाएगी और चलते हैं अपने वजीफे की तरफ, बट उससे पहले हम दो लोगों के लिए खसूसी तौर के ऊपर दुआ करते हैं। आपने दुआ के ऊपर आमीन ज़रूर कहना। हमारे पास जो पहले हैं कहते हैं मुफ्ती साहब मेरे लिए ख़ास दुआ करें, प्यार तो करता है, पैसा भी कमाता है, मगर ज़िद और अक्कर ज़्यादा है उसमें, बस हर वक्त झगड़े करता है और सारा पैसा घर वालों को देता है। आप प्लीज़ दुआ करें कि उसकी ज़िद और अक्कर मेरे सामने ख़त्म हो जाए और पैसों से मेरे लिए कुछ करे, मेरे लिए सोचे। तो इनके लिए दुआ, अल्लाह ताला इनको आपस के अंदर मोहब्बत नसीब फरमाए, प्यार नसीब फरमाए और अल्लाह ताला इनको दरमियान ऐसी इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत, मोहब्बत पैदा फरमाए और इतना प्यार दे कि दुनिया की कोई ताकत इनको जुदा न कर सके। और जो भी आपस के अंदर इनकी हाजतें हैं, मुरादें हैं, ख्वाहिशें हैं, अल्लाह ताला उनको पूरा फरमाए। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। उसके बाद हमारे पास दूसरे हैं और कहते हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करवा दीजिए, मैं जिसको पसंद करती हूँ वो मुझे भी करता है, लेकिन चाहती हूँ उसके दिल में मेरे लिए बेपनाह प्यार हो जाए और शादी हो जाए। तो इनके लिए खसूसी दुआ, अल्लाह ताला इन दोनों के दरमियान में बेपनाह मोहब्बत दे और बेहिसाब मोहब्बत पैदा करे, इतनी इत्तेफाक, इत्तेहाद, उल्फत, मोहब्बत पैदा फरमाए कि ये कभी एक दूसरे से दूर होना तो दूर की बात, झगड़ा भी कभी इनके अंदर ना हो, जल्द से जल्द इनकी मनपसंद शादी हो जाए, शादी के अंदर जो रुकावटें हैं वो भी दूर हो जाए, शादी के बाद दोनों प्यार मोहब्बत के साथ बेहतरीन और अच्छी ज़िंदगी गुजार सके। आमीन सुम आमीन या रब्बुल आलमीन। तो चलते हैं अपने वजीफे की तरफ और ये वजीफ़ा बहुत ही प्यारा, कुरान पाक की एक आयत है और अक्सर लोगों को आपको आती होगी। आपने करना क्या, रोज़ाना ये आयत आपने 786 मरतबा पढ़नी है 7 दिन लगातार, ट्यूज़डे मंगल के दिन से न शुरू करना ना उस पर ख़त्म करना है आपने, यानी ऐसे दिन से शुरू करें जिसमें ट्यूज़डे मंगल ना हो और ऐसे दिन पे भी ख़त्म हो कि जिसमें मंगल ट्यूज़डे ना आता हो, दरमियान में सेंटर में बेशक आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। 7 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है जो हम नमाज के अंदर दुरूशी पढ़ते हैं और उसके बाद आपने 786 मरतबा पढ़ना है जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी इन्नी लिमा अनज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीह, ठीक है ये पढ़ना है। और पढ़ने के बाद वे रोज़ाना फजर से मगरब तक पढ़ना है, ठीक है, और फिर रात सोते वक्त भी इसको पढ़ते पढ़ते आपने सुनना है और उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से 7 दिन के अंदर करोड़ों का भी कर्ज होगा, अल्लाह ताला गैब से इसबाब पैदा फरमाएंगे कि आपका सारे का सारा कर्ज भी उतर जाएगा और इंशाल्लाह आपके लिए बेहतरीन जो अल्लाह ताला रिज़्क़ रोज़ी का बंदोबस्त भी फरमा देंगे। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मिलते फिर किसी अच्छी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।